अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोअर लिम में फीमर्स एंड पेल्विस की रेडियोग्राफिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हिप बोन है, इंटीरियर हिप है। इसमें हमारे पास तीन बोन्स होती है, एक हमारे पास इलियम होती है, एक हमारे पास प्यूबिस होती है और दूसरी हमारे पास इस्कियम होती है। अब क्या होता है कि इसमें ये जो साइड है, जब हम इसको पकड़ते हैं ना, तो हमारी जो फोर फिंगर्स होती है ना, इसके ऊपर होती हैं, तो इसको हम एस्ट्रेबुलम बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास स्पिरियल प्यूबस रमाए हैं, ये हमारे पास स्पिरियल प्यूबस रमाए हैं, और ये हमारे पास जो सुराख नज़र आ रहा है, ये ऑब्टूरेटर फोरामेन है, ये इस्कियल टिब्रोस्टी है। उसके बाद ये हमारे पास इन्फीरियल प्यूबस रमाए हैं, जो हमारे पास इसकी प्यूबिस की है सरफेस, ऊपर वाले को हम स्पीरियल प्यूबिस रमाए बोलेंगे, क्योंकि इसमें दो पार्ट होते हैं और इसमें हमारे पास इन्फीरियल प्यूबिस रमाए हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक हेड है, ठीक है। उसके बाद नेक है, ग्रेटर ट्रोसेंट्रल और लेसर ट्रोसेंट्रल है फीमर की। इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि मीडियल कोंडाइल होते हैं, और ये हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल टिबिया है। ये आगे क्या, टिबिया की बोन शुरू हो रही है, और यहाँ से ये जो ब्रीक सी बोन आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास फेबुला है। तो ये हमारे पास लेटरल साइड में लेटरल कोंडाइल टिबिया होगा, ये जो बना हुआ है इसको हम पेटला बोलते हैं। उसके बाद फर्दर वही डिस्कस किया गया है, वो इंटीरियर व्यू था, ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है। पोस्टीरियर व्यू में क्या होगा कि हेड अंदर की तरफ हो है, ये इस तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या आएगा, लेटरल एपिकोंडाइल आएंगे, ठीक है, लेटरल कोंडाइल आएगा, और इसमें हमारे पास लेटरल कोंडाइल टिब्रोस्टी होगी, और उसके बाद हमारे पास लेटरल फैक्ट है, और यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर व्यू में हमारे पास इंटरकोंडाइलर फोसा आएंगे। याद रहे कि इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू की साइड डिटरमिनेशन क्या है, कि पोस्टीरियर व्यू में हमारे पास फोसा नज़र आएंगे। उसके बाद हमारे पास फीमर क्या होता है कि फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी में, और ये अराउंड 18 to 80 इंच होती है और 45 लॉन्ग्स होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास इंडिविजुअली हाई ऑफ द इंडिविजुअली होती है, कि अपर एंड जो होगा वो आर्टिकुलेट करेगा हिप बोन के साथ टू क्रिएट द हिप जॉइंट, और जो हमारे पास लोअर एंड होगा वो आर्टिकुलेट करेगा पेटला के साथ और टिबिया के साथ। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास फीमर कोंडाइल बॉडी वेट है, वो क्या करेगी कि हिप बोन टू द टिबिया इन द स्टैंडर्ड पोजिशनिंग होगी। उसके बाद हमारे पास ज्वाइंट ऑफ द फीमर क्या होते हैं, हमारे पास दो ज्वाइंट होती हैं, फिमरो आर्टिकुलर ज्वाइंट होता है जो कि हिप ज्वाइंट है। उसके बाद हमारे पास फिमरो टिबियल ज्वाइंट होता है, नी ज्वाइंट है, और आर्टिकुलर विथ पेटला। ये हमारे पास हेड है, और ये हमारे पास नेक है, ये जो आपको बाहर निकला हुआ नजर आ रहा है, ये हमारे पास ग्रेटर टोसेंट्रल है, ये हमारे पास थर्ड ट्रोसेंट्रियल है, और ये हमारे पास लेसर ट्रोसेंट्रियल है। उसके बाद ये हमारे पास एक लाइन आ रही है, जिसको हम लीनियर एस्पायर भी बोलते हैं। उसके बाद ये फर्दर वही डिस्कस किया गया है, हमारे पास क्या होता है कि स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन, इसके व्यूज कौन से होते हैं, हमारे पास इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू होता है और लेटरल व्यू होता है। जो हमारे पास फीमर एपी व्यू होगा, इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू जो है, वो क्या करते हैं कि फीमर व्यू इज़ द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड सीरीज, इसमें हमें नज़र क्या क्या आना चाहिए, इसमें हमें हिप एंड नी जॉइंट नज़र आने चाहिए। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द इमेज डिटेक्टर, दीज प्रोजेक्शन परफॉर्म ऑफ टू इमेज पर व्यूज टू इंश्योर इंक्लूजन ऑफ द बोथ नी हिप एंड जॉइंट। इसकी इंडिकेशन क्या होती है कि कोई भी डिसलोकेशन हो जाना, फ्रैक्चर होना और लोकलाइजेशन, कोई भी फॉरेन बॉडी वगैरह आ जाना, या फिर ओस्टियोमेलाइटिस वगैरह विद द लॉन्ग बोन होना। पेशेंट की इसमें हम पोजिशनिंग कैसे बनाते हैं कि पेशेंट को हम स्पाइन लिटाते हैं, मीन के हम उसको सीधा लटाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि लोअर लिम आर इंटरनली रोटेट करते हैं 50 to 25 डिग्री फ्रॉम द हिप, डू नॉट अटेम्प्ट इफ फ्रैक्चर इज सस्पेक्टेड। उसके बाद हमारे पास एपी प्रोजेक्शन, ये देखे इस तरह हमने उसको स्पाइन लिटाना है और यहाँ पे हमने बनानी है, इसमें हमारे पास नी वगैरह हमें नज़र आनी चाहिए। उसके बाद क्या हो गया, फीमर एपी व्यू में हमारे पास सेंटरिंग कहाँ पे बनती है, कि इमेज मिड फीमर रीजन होगा, ठीक है, ये हमारे पास सेंटरिंग हो गया। और हमारे पास जो दो इमेज होंगे ना, एक इमेज का तो मिड फीमर रीजन हो गया, और जो हमारे पास टू इमेज होंगे ना, उसमें हमारे पास प्रोक्सिमल फीमर होगा, जो कि प्लेस होगा डिटेक्टर टू इंक्लूड नॉट फ्रॉम द
ASIS थ्रू मिड फीमोरल शेफ्ट होगी, उसके बाद डिस्टल फीमर होगा जो कि प्लेस होगा नोटनी फ्रॉम मिड फीमोरल शेफ्ट के ऊपर टू द नी जॉइंट। उसके बाद क्या होगा कि ओवरलैप करेगा, एनाटॉमी होगी, फिजिकल साइड होगी, हमारे पास फिजिकल मार्कर साइड होगी, हम एक मार्कर रख देते हैं ताकि हम देख सके कि कौन सी लेफ्ट और राइट है। उसके बाद क्या होता है कि इमेज टेक्निक एवोल्यूशन, हमारे पास क्या होती है कि फीमर शुड बी सी, हमें फीमर नजर आने चाहिए विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीमर रनिंग, पैटना नजर आने चाहिए। उसके बाद ग्रेटर ट्रोसेंट्रल हमें नजर आनी चाहिए, सब चीज़ें हमें नजर आनी चाहिए। दिस वन इज जैसे कि ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। ये हमारे पास क्या है, इंटीरियर पोस्टीरियर रेडियोग्राफी ऑफ द फीमर्स होती है, हिप जो होती है वो डाउनवर्ड, और ये हमारे पास इंटीरियर पोस्टीरियर रेडियोग्राफी ऑफ द फीमर, नॉर्मल फीमर है, ये हमारे पास नॉर्मल है और इसमें हमारे पास क्या होता है कि फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फीमोरल लेटरल व्यू में क्या होता है कि पोजिशन ऑफ द पेशेंट एंड केसर, फ्रॉम द इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू द पेशेंट्स रोटेट ऑन द अफेक्टिव साइड एंड नी इज स्लाइटली फ्लेक्स होनी है, पेल्विस जो होते हैं वो रोटेट होते हैं बैकवर्ड टू सेपरेट हिप, डायरेक्शन इसकी कहाँ पे होती है कि सेंटर टू द मिडल ऑफ द केसर पे इसकी होगी, विद द वर्टिकल सेंटर होगा, पेटला होगा और इमेजिनरी लाइन फीमोरल कंडाई होगी, ये जैसे कि दिखाया गया है। यहाँ पे आके इसका मिड पॉइंट बनेगा। ये हमारे पास एक्सरे की इमेज है, इसमें हमें देखिए हमें हेड ऑफ द फीमर नजर आ रहा है, उसके बाद हमें इसकी नेक नजर आ रही है, ये हमारे पास ग्रेटर ट्रोसेंट्रल हमें नजर आ रही है और इस साइड पे हमें लेसर ट्रोसेंट्रल नजर आ रही है, ये हमारे पास। उसके बाद क्या होती है कि पेल्विस रेडियोग्राफी क्या होती है, हमारे पास हिप ज्वाइंट स्टार्ट हो जाता है, हिप ज्वाइंट जो होते हैं वो सनावियल ज्वाइंट होते हैं फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द राउंडेड हेड होते हैं, ये हमारे पास कप लाइक इसकी शेप्स होती हैं, प्राइमरी कनेक्शन होते हैं बिटवीन बोन ऑफ द लोअर लिम एंड द एक्सियल स्केलेटन ऑफ द ट्रंक। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंप्लीटली हिप की बोन दिखाई गई है, ये आगे हमारे पास फीमर स्टार्ट हो रही है जैसे कि ये लक्षण दिखाया गया है, ये हमारे पास जो होता है एस्टेबुलम होता है, जब हम इसको हैंड में जैसे कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में हम इसको पकड़ते हैं तो हमारी जो फोर फिंगर होगी ये इसके ऊपर होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे करके ना ये ग्रेटर ट्रोसेंट्रल पे हमारी थंब होगा, ये हमारे पास है इलियल क्रस्ट है, इसको हम बोलते हैं इलियल क्रस्ट, ठीक है। और ये हमारे पास ऑब्टूरेटर फोरामेन है। उसके बाद हमारे पास बेसिक व्यू इसके क्या होते हैं कि इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू बोथ हिप का और इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू सिंगल हिप, हमारे पास क्या होता है कि इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू बोथ हिप, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोजेक्शन होगी वो जनरली इमेज यूज हम फर्स्ट असेसमेंट ऑफ द पेल्विस बोन ऑफ द हिप करेंगे, इसमें हम पेशेंट की पोजीशन कैसे बिठा करेंगे कि पेशेंट को हम सीधा लेटाएंगे टेबल के ऊपर, आर्म जो होगी उसकी हम क्या करेंगे कि साइडिंग अपर चेस्ट ऑफ द उसकी जो दोनों हाथ होंगे ना हमने उसकी सर की तरफ ऊपर ऊपर वाली साइड पे हमने उसको कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि कोई भी कुशन वगैरह रख देना है पेशेंट्स के हेड के नीचे, इंटरनली रोटेट हमने उसके फुट और लेग को ना 50 to 25% 20 हमने उसको इंटरनली रोटेट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि स्टैंड बैक में भी यूज टू मेंटेन कोई मेंटेन करने में, तो कोई भी वो प्रोजेक्शन जो है वो हिल हुल ना सके, हमने वो चीज़ें रख देनी है, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीटली दिखाया गया है, ये हमारे पास फिफ्थ लंबर है, लंबर वर्टिब्रा है, ये हमारे पास सेक्रम है, ये हमारे पास प्यूबियस होती हैं, और ये हमारे पास इस्कियल ट्यूबरोसिटी है, ऑब्टूरेटर फोरामेन है, और ये हमारे पास सुपीरियर रमस ऑफ द प्यूबस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर सिंगल हिप में, सिंगल हिप में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम वैसे ही हम क्या करते हैं कि बेसिक पेल्विस ऑन द बेसिक बायलेटरल हिप प्रोजेक्शन हम करते हैं, इसमें हम अवॉइड पेल्विस रोटेशन टू इंटीरियर सुपीरियर इल्कियन स्पाइन मस्ट बी फ्रॉम द टिबियोटिकल अफेक्टिव टिबिया होती है, जो इंटरनली हम इसको रोटेट करते हैं नेक ऑफ द फ्यूमर के ऊपर, और क्या करते हैं कि उसको ना स्टैंड बैक ऑफ द नेसेसरी हम हिप वो कर लेते हैं। स्पेशल व्यू हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास फ्रॉग लेग व्यू होती है और एक हमारे पास क्रो स्टेबल व्यू होती है, ये हमारे पास फ्रॉग है, इस तरह हम इसकी पोजीशनिंग बनाते हैं।
हम क्या करते हैं कि नी जॉइंट को इस फ्लेक्स करवा देती हैं 30 to 40 डिग्री के ऊपर। उसके बाद पेशेंट्स को सीधा लिटा देते हैं। उसके बाद क्या हम क्या करते हैं कि हिप को एक्सटर्नली रोटेट करवाते हैं 40 डिग्री के ऊपर। सो इमेज जो होगा वो टेकन टूवर्ड द मिडल ऑफ द लाइन, हम उसकी इमेज ले लेंगे। उसके कनेक्ट हम अपर ऑन द सिम्फिसिस पीबस फेस के ये हम इमेज ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्रॉस टेबल लेटरल व्यू में क्या होता है कि ओवर स्टडी शो दैट क्रॉस टेबल रेडियोग्राफी प्रोवाइड हम इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लिनिकल क्लिनिकल इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम ये करते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि पोजिशनिंग ऑफ द क्रॉस टेबल लेटरल व्यू होता है। लोअर जो होता है वो हम क्या करते हैं कि एक साइड पे उसको इस ये हमने इसको सीधा करना है, इसको मिडली थोड़ा सा यूं रोटेट करना है, और जो हमारे पास दूसरी लेग होगी हमने उसको किसी और चीज़ के साथ सहारा दे देना है, और पेशेंट्स के हाथ में ना केसर पकड़ा देनी है। तो उसके बाद हम इसका इमेज ले लेंगे। जैसे कि ये देखिए, थैंक यू।